शिक्षक मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानता है हर साल में पूरा देश में 14 सितंबर से हिंदी दिवस का तौर पर मनाया जाता है। अब जान लीजिए 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा में दर्ज दिया। तब जबकि 26 जनवरी 1950 में 1950 में संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ तब से स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय न्यायालय जितना सरकारी दफ्तर है वहां से हिंदी का भाषा प्रयोग चालू हुआ, तब से हमारा जो हिंदी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। मेरा क्वेश्चन है हिंदी जो दिवस मना रहे इसके पीछे कारण क्या है, मकसद क्या है, किस कारण से हम ये हर साल में मनाते हैं? इसके पीछे एक ही कारण है, हिंदी भाषा का प्रचार, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का प्रगति करना। बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद नाम से भी जाने जाते हैं, वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवाधन, प्रेमाश्रम, रंग भूमि, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बिल्लों की कथा आदि से अधिक कहानियां लिखी।